के बाद आज इसराइल पहुंचेंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। दुनिया को देंगे इसराइल के साथ का संदेश। बाइडेन का भी इसराइल को मदद का भरोसा। We will not stand by and do nothing again. Not today, not tomorrow, not ever. बाइडेन के इसराइल से निकलते ही तेल अवीव पर बड़ा हमला। हमास ने 10 मिसाइलों से किया अटैक। लेबनान में हिजबुल्ला के आतंकियों ने भी किया हमला। लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर इसराइल की सेना का बड़ा हमला। 2 आतंकियों की मौत का किया दावा। इसराइल डिफेंस फोर्स ने जारी किया हमले का वीडियो। इसराइल में न्यूज 18 इंडिया की जापास रिपोर्टिंग। गाजा के सबसे करीब पहुंचने वाला पहला न्यूज चैनल। ग्राउंड जीरो से युद्ध की पल पल की रिपोर्ट। जो इस बार उन्होंने हमला किया है बच्चों पे, नागरिकों के खिलाफ, उसे 9/11 तो क्या उससे भी बड़ा बताए इसराइल, तो इसमें कोई गलती नहीं होगी और इसके लिए सजा हमास का निपटारा ही। महाराष्ट्र में ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। 1,511 केंद्रों की होगी शुरुआत। प्रदेश के 34 ग्रामीण जिलों में कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ में आज जगदलपुर और कोंडा गांव में गृह मंत्री अमित शाह का अभियान। जनसभा को करेंगे संबोधित। नामांकन रैली में भी होंगे शामिल। राजस्थान में कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट पर फंसा पेट। चुनाव समिति की बैठक में करीब 40 उम्मीदवारों पर नहीं बनी सहमति। बागियों के टिकट पर सोनिया को गहलोत की फटकार। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज बांग्लादेश से होगा टीम इंडिया का मुकाबला। पुणे में खेला जाएगा मैच। लगातार 4th जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान में उतरेगी रोहित शर्मा की सेना। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है। लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया, नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल। आप ग्रेनेड देख सकते, ग्रेनेड इधर, मशीन गन, उसके कारतूस, गोलियां। 70 आतंकवादी अगर इस तरह से ग्रेनेड और मशीन गन लेके पहुंचेगा तो क्या किसी छोटे